अभी एक न्यू स्कैम यहाँ पर शुरू हो चुका है लोन रिलेटेड। लोग क्या करते हैं, आसानी के लिए कुछ ऐसे ऐप्स से जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनसे इजली से लोन लेते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि जिस ऐप से आपने लोन लिया वो ऐप्स चाइनीज ऐप्स निकल आ चुका है। क्योंकि भारत के अंदर ऐसे भरपूर ऐप्स है जो चाइनीज ऐप्स है जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन बाद में आपसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। एक न्यूज़ यहाँ पर BBC ने यहाँ पर कवर किया था कि किस तरह से चाइनीज ऐप्स आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद किस तरह से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। क्या आपने जो लोन लिया है उससे ड्यू डेज पहले ही आपको रिटर्न कॉल करते हैं, उसके बाद आपसे यहाँ पर जो EMI बैलेंस है उससे भी ज़्यादा मांगा जाता है कि आपको ये पे करना है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर डाउन किया जाएगा, आपका जो पर्सनल फोटो है वो फोटो लीक कर दिया जाएगा। चाहे आपके पर्सनल फोटो है या नहीं, इसमें क्या होता है कि आपके फेस लिया जाता है और एडिट करके इस तरह से अश्लीलता बनाकर आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर शेयर किया जाता है, इस तरह से आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है। चलिए यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे ऐप्स भी आप लोन लेने के लिए कोशिश करते हैं आपको ध्यान देना है कि वो ऐप्स प्ले स्टोर पर है या नहीं, वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपके मैसेज के अंदर जो भी यहाँ पर मैसेज आ जाते हैं कि आपको लोन चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप इसी तरह के जो लिंक है उन पर आपको क्लिक नहीं करना है। फिर भी आपने क्लिक कर लिया यहाँ पर तो आपको चेक करना है कि जिस ऐप से यानी जिस वेबसाइट से आप लोन लेने के लिए कोशिश करते हैं वो वेबसाइट कितनी सिक्योर है यानी वो आपको चेक करना है। वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर स्कैम एडवाइज़र एक यहाँ पर वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जिस वेबसाइट से आप लोन लेने के लिए कोशिश करते हैं, सबसे पहले बात आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी वेबसाइट से आप लोन मत लीजिए। डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर जो भी ऐप्स है उनसे आप लोन लेने के लिए कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पर फिर भी आपने वेबसाइट से लोन लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उस वेबसाइट को आपको चेक करना है कि वेबसाइट सिक्योर है नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, उस ऐप्स के यानी उस जो वेबसाइट है वेबसाइट का लिंक आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको एक वेबसाइट आपको मिल जाएगा स्कैम एडवाइज़र, उस पर आपको पेश करते ही आपको शो हो जाएगा कि वो जो वेबसाइट है वेबसाइट कितनी सिक्योर हो, पर आपको रेटिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ, प्ले स्टोर से जो भी ऐप्स आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उनसे यहाँ पर आपको देखना है कि वो जो ऐप्स है उस पर कितने रेटिंग है। अगर रेटिंग लो है तो आप उन ऐप से आप लोन मत लीजिए। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है होगा। तो ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनके साथ कोई भी स्कैम ना हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।